Good evening, my friends, brothers and sisters, everyone who is appearing for IELTS, जो prepare कर रहे हैं test के लिए, IELTS test के लिए. After the live session, I have seen the response. और सबसे पहले listening से start कर रही हूँ. Listening में सबसे repeat होने वाले words हैं जो आप सभी learn कर सकते हैं. Every list is there, every word is given here. आप उसको learn कीजिए. इसकी PDF जल्दी आपको Telegram पे मिल जाएगी. Telegram का link मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. For online classes also you can contact me. और subscribe जरूर करना, because this is going to really help you. और एक और चीज जो मैंने यहाँ पे interesting लिखी है, टेस्ट है एक. इस वीडियो के एंड पे आपको एक टेस्ट मिलेगा. आपको उसके स्पेलिंग सही लिखने हैं एंड यू विल गेट अ फ्री क्लास. यस, जो लकी विनर्स होंगे दे विल गेट द फ्री क्लास फ्रॉम माय साइड. दे विल गेट द जूम लिंक. यू जस्ट नीड टू राइट योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन. ऑनेस्टी के साथ टेस्ट करना, स्पेलिंग सही लिखना, देन डेफिनेटली यू विल गेट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द फ्री क्लास. नाउ moving ahead, I have given the words, वो कौन कौन से words है, जैसे कि days of the week से related है, months में, ये सभी आपके spellings check करने के लिए, आप इसको पहले से ही learn कर सकते हैं. ये जितनी भी listenings आती हैं, उन सभी का इकट्ठा के निचोड़ करके, everything is provided for you, all of you, जितने भी students हैं IELTS के, उनके लिए है. हॉबीज में कौन कौन से वर्ड्स है, जैसे आर्चरी है, देन बिलियर्ड्स है, जिसके स्पेलिंग्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं. तो एवरीथिंग इज देयर, आपके सामने सब परोसा गया है. आप इसको बस देखिए अच्छे से. सब्जेक्ट से रिलेटेड आप वर्ड्स लर्न कीजिए. एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, देन आर्किटेक्चर के वर्ड क्या हो सकते हैं, आर्कोलॉजी जो बहुत ज्यादा वर्ड्स यूज होते हैं, सिर्फ यही वर्ड्स दिए गए हैं आपको. देयर इज नो नीड टू गो थ्रू ऑल द डिफरेंट वीडियोज की आज 20 वर्ड्स कर लेते हैं, फिर कल फिर 20 कर लेते. सारे के सारे वर्ड्स एक ही वीडियो में हैं. आपको 1200 वर्ड्स एक ही साथ मिल रहे हैं. सो व्हाई नॉट, क्यों ना करें. देन मार्केटिंग से रिलेटेड है, कैटलॉग के स्पेलिंग्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं. क्वेश्चनेयर वर्ड बहुत ज्यादा आता है आपके सर्वे में. जब सेक्शन 4 की बारी आती है, उसमें एजुकेशन से रिलेटेड, थीसिस, रिसर्च, इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स आएंगे. एजुकेशन से रिलेटेड भी मेरे पास वर्ड्स हैं, जैसे ये रहे, स्टडिंग एट कॉलेज और यूनिवर्सिटी. इसमें एक्सपीरियंस के वर्ड्स, रेफरेंस के वर्ड्स, बच्चे ए एन सी ई डाल देते हैं. प्रूफ रीडिंग में बहुत गड़बड़ होती है जब बच्चे लिखते हैं, तो लिसनिंग में ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है. सी द काइंड ऑफ वर्ड्स आई हैव नॉट रिटन इन 100, 200, दीज आर 1200. और आप इसको सभी को लर्न कीजिए. पब्लिकेशन है, सुपरवाइजर है, कमेंसमेंट है, डिजर्टेशन है, जो सेक्शन 4 में बात कर रही थी, ये उसमें आते ही है. बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका. वर्क्स एंड जॉब्स, बस आपको अपनी तरफ से क्या करना है, आप खुद अपनी तैयारी कैसे करेंगे घर बैठकर लॉकडाउन में, कैसे करेंगे. ये 1200 जो रिपीटेड वर्ड्स है ना, इसको बस इसके स्पेलिंग्स लर्न कर लीजिए. सबसे पहला काम जो आप खुद कर सकते हैं, और डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला ये. हेल्थ से रिलेटेड पिज्जा है. अब वो पिज्जा कहते हैं तो स्टूडेंट्स जो है वो टी डाल देते हैं बीच में, बट इट इज PIZZA. देन रेमेडी, आप उसके साथ जैसे आप ये वर्ड्स लर्न करेंगे, साथ साथ में इसके प्रोनाउंसिएशन जरूर लर्न करें, ताकि आपको समझ में आए कि वो कैसी बात करते हैं. देन रिन्यूएबल सोर्सेज है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है. बेटा ये वो वाले वर्ड्स हैं जो इतनी देर से, 15 ईयर्स से आज करवा रही हूँ, उतनी देर से ये जो निचोड़ के रखे गए हैं वर्ड, ये सारे के सारे आपके सामने रख रही हूँ. आप बस इसको लर्न कीजिए. कितने वर्ड्स है, एवलांच है, देन टोर्नेडो है. ये नेचर से रिलेटेड है. लिसनिंग में बहुत ज्यादा नेचर से रिलेटेड वर्ड्स आते हैं. देन कंट्रीज हैं, कंट्रीज के स्पेलिंग स्टूडेंट्स को नहीं आते, स्पेशली फिलिपींस के स्पेलिंग गलत कर देते हैं. देन डोमिनिशियन के वर्ड गलत कर देते हैं. देन स्विट्जरलैंड है, टर्की है, इजिप्ट, यस इजिप्ट वर्ड गलत होता है. मलेशिया में वाई नहीं डालते हैं स्टूडेंट्स. सेम इज द केस विद द लैंग्वेजेस. नाउ कमिंग टू द टेस्ट, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे इन योर PDF ऑन माय टेलीग्राम चैनल आल्सो. लेकिन आप इस पे जरूर देखें कि कौन कौन से, कहाँ कहाँ से वर्ड्स उठा के लिसनिंग से लिख कर आपके लिए नोट्स बनाए गए हैं. अब आते हैं आपके टेस्ट पर. टूरिंग में सुविनियर वर्ड देख लीजिए. देन गाइडेड टूर है, इट्स नॉट टूर, इट्स टूर.
टूरिस्ट है, हॉस्टल है, होटल है, ऐसे वर्ड्स और इसकी प्रोनाउंसिएशन जरूर ध्यान में रखें। उसके बाद स्पोर्ट्स से रिलेटेड है एंड एट द एंड सी द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स। आई एम नॉट मेकिंग अ ह्यूज वीडियो ताकि आपको प्रॉब्लम आए, आप फटाफट से इसको नोट कर सकते हैं। वर्ड्स को बार बार पीछे स्क्रॉल करके भी वीडियो देखें, पॉज करें, चेक करें कौन कौन से वर्ड्स यूज किए हैं और उनको लिखें। एक बार लिख लेंगे कभी माइंड से नहीं जाएंगे। उसके बाद इंडिजीनियस है, दीज आर द अदर वर्ड्स जो किसी कैटेगरी में नहीं आते, जो रैमिफिकेशन है, देन लिबरल डेमोक्रेसी है, देन लूनर कैलेंडर है, देन प्रोफिशिएंसी है, दीज आर द वर्ड्स। नाउ कमिंग टू द टेस्ट, मैंने पहले बोला है इफ यू राइट द स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शन, 3 लकी विनर्स विल गेट द फ्री क्लास फ्रॉम माय साइड एंड दीज आर द वर्ड्स। 10 वर्ड्स आर देयर, 10 के 10 वर्ड्स जिसके सही हो रहे हैं, या लकी विनर्स देखते हैं कौन कौन से निकलते हैं। आप लिखिए कमेंट सेक्शन में और आपको फ्री क्लास मेरी तरफ से जरूर मिलेगी। These are the words. This is 9th and this is 10th. So guys, all the best. Do this test and get a chance to get a free class from my side. Take care everyone. See you in the next video very soon. Bye-bye.